ये बात बिल्कुल सही कही जा सकती है कि टीईटी के एमसीक्यू में कुछ ऑप्शन जो हैं वो हमेशा ही सही होते हैं या हमेशा ही गलत होते हैं। इसकी पहचान करने के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। जो प्रीवियस पेपर हैं वो मैं कर चुका हूं, उसी पर ये वीडियो आधारित है, और साथ साथ में जो पेपर सेटर्स हैं उनका माइंड क्या है, एक टेंडेंसी फाइंड आउट होती है, एक फ्रीक्वेंसी, बार बार कॉन्सिस्टेंटली ये वर्ड्स जो फ्रेज हैं ऑप्शन हैं यूज किए जाते हैं और हमेशा ही गलत पाए जाते हैं, उसके बेस पर ये वीडियो बन रहा है। अगर आप वो वर्ड्स और फ्रेज और ऑप्शन समझ लेते हो कि सही ये होते हैं, अच्छा वो सही होने के पीछे लॉजिक भी है, साथ साथ में इस वीडियो में वो लॉजिक भी दूंगा। लॉजिक देने का पर्पस क्या होगा कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ। दूसरी बात ये भी है कि जब मैं वर्ड्स वो बताऊंगा कि ये वर्ड्स हमेशा ही गलत होता है, ये वर्ड हमेशा ही सही होता है, तो आप उसको क्रैम भी कर सकते हो। यही बात क्रैमिंग को रिजेक्ट करती है, जैसे क्रैमिंग हमेशा ही रॉन्ग आंसर होगा और अंडरस्टैंडिंग हमेशा ही ठीक आंसर होगा। तो यहां भी आप अगर लॉजिक में साथ साथ में बताता हूं, एग्जाम्पल देता हूं और साथ में प्रोबेबल राइट और प्रोबेबल रॉन्ग आंसर जो हमेशा होने की संभावना रहेगी वो बताऊंगा, उससे आप एक्सरसाइज से आप राइट आंसर तक जल्दी और मोर एक्यूरेसी से पहुंच पाओगे। इसका फायदा आपको कहां पर होगा, ये देखिए के टीईटी के 5 सेक्शन हैं, 5 सेक्शन में एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू 30 इन ईच है, तो पेडागोजी का कुछ पोर्शन है। अगर फर्स्ट पास सेक्शन देखें तो मिनिमम 10 क्वेश्चन पेडागोजी के, इसमें 15 15 15 और 15, टोटल ये 70 क्वेश्चन एमसीक्यू आपके पेडागोजी से रिलेटेड हैं, जिन को सही करने के लिए भी वीडियो या इसका ये और पार्ट भी हैं, बाकी पार्ट्स जो हैं उनके लिंक नीचे दिए गए होंगे, वो जो 70 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इस वीडियो को देख के अंडरस्टैंड करके बाद में किस और जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, दे के देखिए, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि रियली के कुछ ऑप्शन हमेशा गलत या हमेशा सही होते हैं। हाँ, हम एक्सेसिव टर्म नहीं यूज करते, हम लगभग हमेशा या लगभग हमेशा टर्म यूज कर लेते हैं। तो इन 70 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक्सरसाइज करने लगे हैं। इस एक्सरसाइज से आपका टाइम भी सेव होगा और स्कोर भी प्लस होगा। अच्छा, पार्ट वन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इतने लंबी लिस्ट बन गई है वर्ड्स की या ऑप्शंस की, तो उसको मैंने डिवाइड कर लिया है। ये पार्ट फोकस करेगा इंक्लूसिव सेटिंग या इंक्लूसिव एजुकेशन के पार्ट में। याद रहे कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पोर्शन सिर्फ फर्स्ट सेक्शन में नहीं, सारे सेक्शन में आपके काम आएगा। एक और बात समझ लेनी चाहिए कि हमेशा ही सही और हमेशा ही गलत का मतलब रिलेशन रखता है स्टेम के साथ। स्टेम अगर पॉजिटिव है तो हमेशा सही वाला सही है, अगर स्टेम नेगेटिव है तो जो मैं हमेशा सही कहूंगा वो गलत हो जाएगा। ये अगर ऐसे समझ नहीं आता तो हम आगे चल के समझ लेते हैं विद एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है मैंने बनाया, इसकी स्टेम जो है ये स्टेम पॉजिटिव है। कैसे पता चलेगा पॉजिटिव है? Which of the following should be preferred in school teaching? Which of the following should be avoided? ये avoided ने या not used अगर word आ जाता, not बहुत ज्यादा use होता है, इसको समझ में रखना है। अगर that is why जब भी आपने question की exercise करनी है तो avoided या negative term अगर stem में मिलती है तो उसको circle कर लेना है, नोट है, उसको सर्कल कर लिया, मतलब ये यहां पर नेगेटिव स्टेम हो गई, ये यहां पर पॉजिटिव स्टेम हो गई। और अब मान लीजिए मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि लेक्चर जो है वो हमेशा ही गलत होता है, तो यहां पर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा,
पॉजिटिव स्टेम है तो मेरे वाला नुक्ता काम कर रहा है, यहां भी काम करेगा, लेकिन आपको समझना है लेक्चर मेथड हमेशा ही गलत होता है। का मतलब ये रखना है कि लेक्चर मेथड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो पेपर सेटर हैं या जो स्कूल ऑफ लर्निंग है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म, तो वो लेक्चर मेथड को लोएस्ट रैंक देता है, लोएस्ट। दैट इज व्हाई, क्यों? क्योंकि लेक्चर मेथड के जरिए एक टीचर है और ये स्टूडेंट है, ये वर्बल इंफॉर्मेशन सिर्फ इसको दे रहा है, वन वे प्रोसेस है, बच्चा एक्टिव लर्नर नहीं है, दिस इज द कॉज। तो लेक्चर मेथड यहां पर पहले डिलीट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक, तो प्रेफर्ड है। दूसरी तरफ अगर ये आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन स्कूल टीचिंग, क्योंकि ये लोएस्ट लेवल है, दैट इज वाई। अब ये नहीं कहना कि यहां पर लेक्चर मेथड सर ने बोला था, ये गलत हो गया। यहां पर लेक्चर मेथड उन्होंने नॉट कहा है, अवॉइड कहा है, दैट इज वाई लेक्चर मेथड यहां पर सही आंसर होगा, क्योंकि बाकी जो हैं उनमें बच्चों की पार्टिसिपेशन एक्टिवनेस लेक्चर से ज्यादा है। तो ऐसे जो अगर पॉजिटिव स्टेम है तो इस वीडियो में जो कहूंगा वो हमेशा ही सही आंसर और हमेशा ही गलत वो होंगे। अगर स्टेम नेगेटिव हो जाती है तो उसके मीनिंग ऐसे बदल जाएंगे। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल, इसमें तो मेरी वीडियो सिर्फ इतना ही आपको काम दे रही है कि लेक्चर मेथड जी गलत कहा था, ये तो अवॉइड कर दिया, ये चार ऑप्शन है, है ना, तो नेचुरली है एक की प्रोबेबिलिटी यहां बढ़ गई। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो आपको, आप इसको पहले ही सॉल्व कर लोगे। दूसरी बात, यहां थोड़ा मैंने डिफिकल्ट डाला है, क्वेश्चन बनाया है, लेकिन जो क्वेश्चन पीछे आ रहे हैं उनमें कुछ और ऑप्शन ऐसी होती हैं जो हमेशा ही गलत होती है, आप जल्दी जल्दी उसको पहचान लोगे। कई कई क्वेश्चन में आप दो को, कईयों में तीन को ही गलत को पहचान लोगे तो राइट आंसर पर पहुंच जाओगे। इसके अलावा कुछ गेस वर्क हैं वो भी लगाए जा सकते हैं, वो अलग से वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें अगर आपने क्वेश्चन को पहचानना है, वो आपको लर्निंग के लिए बता देता हूं कि इसको मैंने ऑर्डर में लगाया है, इसमें मोस्ट टीचर डोमिनेशन है। अच्छा, जहां भी टीचिंग की, टीचर की डोमिनेशन होगी वो पुअर मेथड, लोएस्ट मेथड गिना जा रहा है जो पिछले टीईटी के एग्जाम हुए हैं। तो इसमें टीचर सबसे कम है और लर्नर सबसे ज्यादा पैसिव है, टीचर एक्टिव है। तो डिस्कशन एक ऐसा मेथड है जिसमें इनमें से लर्नर एक्टिव है, टीचर पैसिव है, ठीक है, रिलेटिवली पैसिव है, अदरवाइज टीचर भी एक्टिव है लेकिन उसका रोल बदल गया है। तो जहां पर लर्नर का जो एक्टिवनेस बढ़ रही है उस मेथड को बढ़िया कहा जाता है। तो इसको ऑर्डर मैंने रखा है, यहां पर टीचर सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, फ्लिप्ड क्लासरूम में डोमिनेशन कम हो जाती है प्लस लर्नर की एक्टिवनेस बढ़ जाती है, दैट इज वाई दूसरे रैंक पर इसको रखा है। फ्लिप्ड क्लासरूम होती क्या है कि पहले आपने वीडियो में एक कोई कंसेप्ट बच्चों को सेंड कर दिया या उनके मोबाइल पर भेज दिया मान लो, तो अगले दिन क्लासरूम में जो वीडियो पर वो लर्न ऑलरेडी करके आए हैं उसको एक्सटेंड किया जाता है, क्लास में होमवर्क करवाया जाता है, वो फ्लिप्ड क्लासरूम है, ब्लेंडेड लर्निंग का एक मोड है। लेकिन ये पॉसिबल है कि ये राइट आंसर में ज्यादा हो, यहां पर इसका सेकेंड रैंक है। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग या मेथड जो है सुकरात का, उसमें क्वेश्चनिंग पूछी जाती है लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, दैट इज वाई ये यहां पर तीसरे रैंक पर है। डिस्कशन सोक्रेटिस से आगे चल रही है, यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो यहां पर प्रेफर कौन सा करना चाहिए, दैट इज वाई राइट आंसर यहां पर ये आ गया। अवॉइड कौन सा करना चाहिए, ये आ गया। ये नहीं है ऑप्शन तो क्या अवॉइड करना चाहिए, तो ये आ गया। तो ऐसे बनेगी, ये ऑर्डर बनेगा। तो हम आगे लर्न करते हैं कि कैसे हमने राइट आंसर और रॉन्ग आंसर हमेशा जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना। अब ये जो स्टेम्स हैं दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, यहां पर इधर जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, यहां पर रॉन्ग ऑप्शन होगा, और उसमें से वर्ड भी आपको बताता हूं कौन सा आपने आइडेंटिफाई करना है। लेकिन ये बात याद रखिए कहीं कहीं जाके मैं रॉन्ग, यहां पर कोई और भी हो सकता है, इसलिए हेडिंग आपने साथ साथ में देने हैं, क्योंकि साथ में मैंने लॉजिक भी देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमेशा ही करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, कि टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, CWD,
विद द नॉर्मल स्टूडेंट हमेशा ठीक होगा, सामान्य छात्रों के साथ अध्यापन करवाना है जो डिसेबल्ड पर्सन है। दूसरी तरफ इसके बिल्कुल ओपोजिट है वो रॉन्ग क्या होगा, सेग्रीगेशन। मैं वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं या सर्कल कर रहा हूं, ये बिल्कुल हमेशा ही गलत हो। गलत का मतलब है लोएस्ट रैंक में रखा जाएगा, तो आपने स्टेम के अकॉर्डिंगली इसको देखना है। ये सेपरेशन, बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जिसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन ये रॉन्ग ऑप्शन ही है, लीस्ट प्रेफर्ड है। तो मेन स्ट्रीम मतलब नॉर्मल बच्चे जो हैं उनसे सेपरेट कर देना, मुख्य धारा से छात्रों को अलगवाद, अलगवाद, अलगाव, ये गलत वाले हैं। सेंडिंग डिसेबल्ड स्टूडेंट टू स्पेशल स्कूल, स्पेशल स्कूल यहां आता है, शक करो और नेगेटिव तरफ जाना है कि ये गलत होगा ऑप्शन। विकलांग छात्रों को विशेष विशेष विद्यालयों में भेज देना। अच्छा, ये गलत क्यों होते हैं इनको समझ लें, बेस अगर समझ लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। पेपर सेटर ऐसा क्यों कर रहे हैं, पेपर सेटर लॉजिकली ऐसा कर रहे हैं लेकिन वो लॉजिक और बेटर हो सकता है, क्रिटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी तक नहीं बन रहे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हो या उसके पोजिशन पेपर हो या 23 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 हो, आरटीई एक्ट 2009 हो, स्कूल्स ऑफ लर्निंग जैसे बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म, ह्यूमनिज्म, और ये सारे ही सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ जा रहे हैं। जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ वाले ऑप्शन है वो हमेशा ही ठीक होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं, दैट इज वाई आपको अगर ये सारे पार्ट्स आप देखोगे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या उनके करेक्टरिस्टिक जो ऑप्शन के रूप में यूज किए जाते हैं वो समझ आ जाएंगे। तो फंडामेंटल थ्योरीज जो हैं इनके बेस पर ये थ्योरीज कह रही हैं कि सेग्रीगेशन नहीं करनी, सेपरेशन नहीं करनी, डिसेबल्ड लर्नर को नॉर्मल स्कूल में ही टीच करना है। दैट इज वाई ये ऑप्शन हमेशा सही आ रहे हैं और ये ऑप्शन हमेशा ही गलत आ रहे हैं। इसको और अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये मॉडल है, चार टर्म्स है ये यूज की जाती हैं। फर्स्ट इज एक्सक्लूजन, जिसको मार्जिनलाइजेशन, कलर बदल दे हम, कलर रेड कर ले यहां पर, हाँ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन या मार्जिनलाइजेशन ये शब्द भी आएंगे, जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया है। अब इसका सर्कल को समझे, ये सर्कल है स्कूल एजुकेशन, कुछ भी ऐसा ये समझ ले क्लासरूम, ठीक है, और ये बच्चे जो हैं बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं ये नॉर्मल है, ठीक, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, नॉर्मल आईक्यू है, क्रिएटिव हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई इनको फिजिकल या मेंटल या रीडिंग डिसेबिलिटी ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये देखिए, ये इनको फिजिकल है, विजुअल है ना, ये जो बच्चे हैं इर्द गिर्द हैं ये डिसेबल्ड शो किए गए हैं, इनको लीस्ट इंपॉर्टेंट, इतनी कम इंपॉर्टेंस जब दी जाती है कि स्कूल क्लासरूम से बाहर ही निकाल दिया गया है तो ये एक्सक्लूजन है, ये पुअर, लोएस्ट रैंक इसका आता है, लोएस्ट रैंक, ठीक। तो ये भी ऑप्शन हमेशा ही गलत होंगे, ये क्रॉस लगा दिया, ये है सच्ची बात है, पक्की बात है, हमेशा गलत हो गए। सेकेंड रैंक किसका है, ये लोएस्ट के बाद सेग्रीगेशन का, सेग्रीगेशन में ये आपका स्कूल जहां क्लासरूम आ गया ये नॉर्मल है, अब ये जो बच्चे इर्द गिर्द थे स्कूल में गए ही नहीं, क्लासरूम में पहुंचे नहीं, उनको इकट्ठा करके एजुकेशन दे दी गई है, इनको भी एजुकेशन दी गई है, अब एजुकेशन दोनों को दी गई है लेकिन सेपरेट है, दैट इज वाई सेग्रीगेशन। ये ऑप्शन सारे टेट में जितने भी हुए हैं, स्टेट के हैं, सेंटर के हैं, उसमें बहुत या सबसे ज्यादा यूज हुआ है एज ए रॉन्ग आंसर, ये हमेशा ही सेग्रीगेशन रॉन्ग आंसर होगा। देन है इंटीग्रेशन, ये इसके बाद यूज किया गया है, अगर इंटीग्रेशन का जो स्टेम कैसे आता है वो भी बताता हूं, आगे चल के वीडियो में बताया भी है। तो इसमें ये जो बच्चे अलग थे इन बच्चों को ये स्कूल में या क्लास स्कूल में ले आए, स्कूल में लेके आए तो हैं लेकिन स्कूल में भी इनको अलग रूम दे दिया, वहां टीच किया जा रहा है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज कोई नहीं दी, उनकी लर्निंग नीड्स जो हैं उसके बेस पर जो अकोमोडेशन मॉडिफिकेशन, इनके मीनिंग आगे चल के बताता हूँ, अडेप्टेशन है, वो ऐसे कुछ ज्यादा किया नहीं गया। ये ऐसा है कि एक हॉस्पिटल है, ये मान लीजिए हॉस्पिटल है लेकिन उस हॉस्पिटल में नॉर्मल बच्चों की टेस्टिंग तो है, प्रिविलेजेस तो है,
जो डायग्नोज और ट्रीटमेंट का जो प्रोविजन तो है, लेकिन स्पेशल बच्चों की ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये इंटेग्रेशन है, स्कूल में तो शामिल हैं लेकिन वहां भी अलग हैं और इंपॉर्टेंस पूरी नहीं दी गई। तो ये थर्ड रैंक का है। ये ऑप्शन आते हैं कि बच्चों को, डिसेबल्ड बच्चों को स्कूल में शामिल किया गया और उनको आपस में इंटरेक्ट करने दिया जाता है, तो ये ऑप्शन आपको लगेगी बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पर ये ऑप्शन गलत। तो ये भी गलत जा रही है, ये भी गलत जा रही है, ये भी गलत जा रही है। सिर्फ राइट आंसर ये होगा इंक्लूजन का, जिसमें क्या है कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे होता है, एक ही हॉस्पिटल में हर तरह के टेस्ट होते हैं, हर तरह के पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सकता है और डायग्नोज और ट्रीटमेंट हो सकता है। ऐसे ही एक ही स्कूल में नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चों को ऐसे रखा जाता है कि उसकी कोई भी नीड हो, उसके कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के लिए उस स्कूल में सारे इंतजामात हैं। उसके लिए अडेप्टेशन, अकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम, इंस्ट्रक्शन, जो असेसमेंट है, असाइनमेंट्स हैं, है ना, उनमें चेंज किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। और वो सभी क्लासेस में आपको नॉर्मल और डिसेबल्ड इकट्ठे मिलेंगे, कोई भी किसी से बात कर सकता है। लेकिन यहाँ पर वो जो क्लासरूम है वो भी सेपरेट दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमेशा ही राइट आंसर होगा। बेसिकली जब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गए और इनमें अब हमने देखना है कि टर्म्स कौन सी यूज हुई है पिछले पेपर में, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से ऑप्शन हमेशा सही या हमेशा गलत होते हैं। तो ये इमेजेस हैं जिसमें नॉर्मल बच्चे और डिसेबल्ड बच्चे साथ साथ में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शामिल हैं और सारे एक्टिव हैं। अच्छा, एक बहुत ज्यादा जरूरी बात जो कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, उसके राइट आंसर भी इसमें बता रहा हूं। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो 95 भी कहा जाता है, ये यार इसको 95 भी, 96 भी कहा जाता है। तो इसकी ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। ये ब्रैक्ट में लिखा है, इस एक्ट का नाम इक्वल अपॉर्चुनिटीज, नंबर दो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, नंबर तीन फुल पार्टिस। ये ऑप्शन इसमें से कोई आता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कौन सा, 96 या 95 में कौन सा सही है? ये तीनों में से कोई भी आता तो वो सही होगा। अगर तीनों भी हैं, ऑल ऑफ द अबव, वो सही होगा। तो ये जो है, अच्छा कब कम इन टू फोर्स, कब आया? फरवरी 7, 1996। ठीक है, ये याद करने वाली बातें हैं। दूसरी बात, इसके बाद 2016 में एक्ट जो नया इसका रिवाइज हुआ, जो अमेंडमेंट हुई 2016 यहां लिखा है, तो पहले जो 95 वाले में डिसेबिलिटीज कितनी शामिल थी? 7, ये क्वेश्चन आता है। और 2016 के एक्ट में 7 से कितनी हो गई? 21। अब जो 21 डिसेबिलिटीज शामिल हैं जो नया एक्ट है, तो नई डिसेबिलिटीज कौन सी हैं वो एक बार देख लेनी चाहिए। यहां पर मैं उनको रीड नहीं करूंगा, आप पॉज करके खुद देख लीजिए। ये सारी, जब भी डिसेबिलिटी की बात टेट में होती है तो इन सारे बच्चों की बात होती है, और इन लिस्ट में से पूछा जा सकता है आपको कि ये वाला शामिल है, तो ये पॉज करके आप देख लीजिए। ये टोटल 21 की लिस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं के स्टेम कौन सी करेक्ट होगी। वर्क विद ईच स्टूडेंट इन द क्लासरूम, आपको लगेगा ये तो यार बड़ा इजी सा है, तो नहीं, लेकिन उसके ओपोजिट मैंने जो टर्म कंफ्यूज करती है उसको लिखा है। वो क्या है? यहां पर है कि ईच स्टूडेंट, जब ईच स्टूडेंट को के लिए काम किया जाता है, शामिल किया जाता है, तो वो हमेशा राइट। जब मेजोरिटी की आप सोच रहे हो तो ये कंफ्यूज कर सकता है। मेजोरिटी इट मींस फ्यू स्टूडेंट्स को छोड़ा जा रहा है, जो डिसेबल्ड हैं या वीक हैं, जिनको नालायक बच्चे कह दिया जाता है, ऐसे लेबल कभी भी नहीं लगाना। हाँ, ये भी हमेशा रॉन्ग आंसर होता है, किसी बच्चे को कोई भी लेबल लगाना हमेशा रॉन्ग आंसर होता है। तो ये हो गया फ्यू, मेजॉरिटी वाला, दैट इज वाई ये हमेशा गलत होगा। ठीक, तो टीचर्स एडजस्ट लेसन, ये याद करना है एडजस्ट। मैंने ये क्यों अंडरलाइन किया है कि इससे आपने पहचानना है कि ये हमेशा गलत या
सही हो सकता है। कौन सा कलर करूं, इसको नीला कर लेता हूं। अच्छा, एडजस्ट करना है, एडजस्ट क्या कर रहे हैं ये भी ध्यान रखना है। लेसन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इट मीन, आगे चल के भी बताता हूं, एडजस्ट को देखना है तो मीन चेंज, लेसन चेंज किया गया डिसेबल्ड पर्सन के लिए, असाइनमेंट चेंज की गई डिसेबल्ड पर्सन के लिए, एग्जाम सिस्टम चेंज किया गया डिसेबल्ड पर्सन के लिए, एनवायरमेंट चेंज किया गया डिसेबल्ड पर्सन के लिए। तो टू फिट ईच यहां पर है, ईच यहां पर राइट आंसर कर दिया गया, सभी बच्चों के लिए, ऑल, इंक्लूजन मतलब सिंपल नुक्ता ये है ऑल। तो ये जब एडजस्टमेंट ऐसे हो रही है वो राइट आंसर हमेशा ही होगा। अगर ये एडजस्टमेंट मेजॉरिटी के लिए हो रही है, सभी के लिए नहीं होगी, फिर भी गलत होगा। अगर ये एडजस्टमेंट बच्चे ने करनी है, टीचर ने नहीं, तो वही वो गलत होगा। आगे चलते हैं, हिंदी में भी आप साथ में देख सकते हो यहाँ पर, कक्षा में प्रत्येक छात्र, ठीक है, प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ में एडजस्टमेंट, असाइनमेंट में एडजस्टमेंट, परीक्षा में एडजस्टमेंट, वातावरण में एडजस्टमेंट, ये हमेशा ही राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो हमेशा ही रहते हैं कौन से हैं, रिमूविंग बैरियर्स। कई ऑप्शंस आते हैं जो हमेशा ही ठीक होते हैं। इट मींस चिल्ड्रन विद डिसएबिलिटीज जो हैं, 21 जो हम देख के आए हैं लिस्ट, उनके लिए बैरियर्स को रिमूव करना है, ये हमेशा ही ठीक होगा। इसके ऑपोजिट क्या है कि फैसिलिटेशन पॉजिटिव बढ़ानी है, फैसिलिटेशन जो टीचर एज ए फैसिलिटेटर भी हम कहते हैं ना, वो इनके लिए बढ़ना है, ये दोनों ऑपोजिट हो गए। बैरियर को रिमूव करना ये बहुत ज्यादा यूज हुई है हिंदी में, अवरोध को हटाना है। वो अवरोध कौन कौन से हैं वो लिस्ट दी गई है। फिजिकल अवरोधों को हटाना, यस बिल्कुल, उसमें कौन कौन से, कैसे हटाना, स्टेयर्स, डोरवेज, टॉयलेट, वाटर फैसिलिटीज, अदर आर्किटेक्चर फैसिलिटीज। मान लीजिए फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन है तो उसके लिए स्टेयर्स चाहिए या रैंप्स चाहिए, नेचुरली है कि रैंप्स चाहिए। तो ऐसी अगर अवस्था की जाती है तो इंक्लूसिव एनवायरमेंट वो है। अच्छा, और कौन से जो हैं बैरियर रिमूव करने हैं, ऑफ टीचिंग सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग मॉडर्न एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड करिकुलम, उन बच्चों को प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल आगे चल के बताता भी हूँ, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर हैं, बच्चा बोलता है और वो टाइप होता जाता है खुद ब खुद, है ना, गूगल में भी वो वॉइस टाइपिंग ऐसे करके ऑप्शन है तो टाइप हो जाता है। तो ऐसी फैसिलिटीज जिस स्कूल में प्रोवाइड की जाती हैं वो इंक्लूसिव स्कूल है। इवेल्युएशन, जो डिफरेंट एबल स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ईशान तारे जमी पर है, उसकी जो असेसमेंट है अगर ऑरल ले ली जाती है, ऑरल ले ली जाती है तो वो बेटर है। इवेल्युएशन उनकी डिफरेंट तरीके से होगी, उनके इवेल्युएशन में बैरियर क्या था, ईशान के रीडिंग और राइटिंग, है ना, राइटिंग थी, तो राइटिंग की जगह कर हाँ, पर हमने उसको स्पीकिंग को दिक्कत दिया, आप बेटा बोल के अपना एग्जाम दे दो, तो इवेल्युएशन होगी। हाँ, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा बैरियर क्या है, जो टीचर का एटीट्यूड, पीयर्स का एटीट्यूड, पेरेंट्स का एटीट्यूड अगर नेगेटिव है, किसके रिगार्डिंग, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी 21 जो पीछे डिस्क्रिप्ट के आए हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे, अगर ये आप ये सोचते हो कि जो बच्चा रीड डिसलेक्सिक है तो वो नालायक है, इडियट है, डफर है, ये तारे जमीन पर फिल्म में यूज किए जाने वाले नेगेटिव एटीट्यूड के वर्ड मैं रिपीट कर रहा हूं। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड को रिमूव करना है, अगर ऐसे रिमूव किया जाता है तो राइट ऑप्शन है, अगर ऐसा एटीट्यूड है तो वो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अवेयरनेस, फॉर एग्जांपल एक बच्चा रीड नहीं कर पाता, तारे जमीन पर फिर है, तो आपको पता ही नहीं डिसलेक्सिक की कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। वो स्कूल का प्रिंसिपल भी ये कह रहा है उस फिल्म में कि आपके बच्चे बच्चा कोई स्पेशल प्रॉब्लम वाला है, मतलब मेंटली रिटार्डेड है, हालांकि ईशान क्रिएटिव था, हाई एवरेज, अबव एवरेज स्पेशल इंटेलिजेंस उसकी हाई थी, तो आप कह ही नहीं सकते। अवेयरनेस टीचर्स को, पेरेंट्स को और प्रिंसिपल्स को, पीयर्स को नहीं है तो भी ये गड़बड़ है। तो ये अवेयरनेस बढ़ाना है, बैरियर रिमूव हो रहा है, दैट इज वाई यहां पर राइट आंसर बनेगा। अगर अवेयरनेस बढ़ाते हो तो बैरियर कम होता है, इसको ऐसे समझना है।
तो हिंदी में भी आधुनिक शैक्षणिक प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम मॉडिफाई करना, मूल्यांकन की तकनीक, टीचर पेरेंट्स और पीयर का रवैया, जागरूकता, ये पॉइंट मान रहे हैं पॉजिटिव हैं। यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है, इनको गलत नहीं कह देना। ये ऑप्शन देख लो, यहाँ पर ये सिर्फ ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। अब यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। करेक्ट क्या होगी? स्पेशल एफर्ट किए जा रहे हैं टू स्पेशल नीड लर्नर्स। पीछे स्पेशल एजुकेशन जहाँ स्पेशल स्कूल को रिजेक्ट किया था, अब यहां पर स्पेशल एफर्ट है। ये नहीं कि स्पेशल वर्ड देखा और अटैक कर दिया कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन ये भी साथ में देखना अगला वर्ड कौन सा है, ये फ्रेज हो गई। तो स्पेशल एफर्ट जब किए जा रहे हैं तो स्पेशल नीड लर्नर्स, फॉर एग्जांपल ईशान के लिए स्पेशल एफर्ट आमिर खान करते हैं, है ना, तो वो स्पेशल एफर्ट्स हमेशा ठीक है, है ना। उसकी एक्स्ट्रा क्लास ली जाती है, उसकी असाइनमेंट और किसी ढंग से उसको दी जाती है, उसको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है, और उसको जो गोल है उसका मैथ्स में है, इंग्लिश में है, वो डाउन कर दिया जाता है, एस्पिरेशन लेवल उसका डिफरेंट बनाया जाता है। तो ये जो स्पेशल एफर्ट किए जाते हैं इसको हम बोलते हैं इक्विटी, समता। एक समानता है, समता, समता है कि स्पेशल हेल्प करनी। तो ये शिक्षार्थी विशेष आवश्यकताओं के लिए विशेष प्रयास, विशेष प्रयास किन के लिए विशेष प्रयास? जो नॉर्मल या हाई एबिलिटी वाले हैं उनके लिए विशेष प्रयास, विशेष उनके लिए भी हो सकते हैं, गिफ्टेड के लिए, क्रिएटिव के लिए, हाई इंटेलिजेंट के लिए भी हो सकते हैं कि वो जितना परफॉर्म कर रहे हैं उनसे आगे जाएं, ठीक है। तो यहां पर डिसेबल्ड पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये हो गया। अच्छा, अगर इग्नोर किया जा रहा है स्पेशल नीड को, वो हमेशा ही गलत होगा। इग्नोर लो एबिलिटी वालों को किया जाता है, वो हमेशा ही गलत होगा। ये हिंदी में है, ये मेरे ख्याल में आप पढ़ लोगे। नेक्स्ट है करेक्ट ऑप्शन, हाँ, रिस्पेक्ट। उन बच्चों को रिस्पेक्ट हमेशा मिलती रहनी चाहिए। रिस्पेक्ट कहाँ होती है? वर्बल भी, नॉन वर्बल भी, और जो फीलिंग लेवल पर है। वैसे अगर आप पूछो तो फीलिंग से इंक्लूजन शुरू होती है, वर्ड से रस्में भी हो सकती हैं, जैसे रिलीजन में होती है। रॉन्ग ऑप्शन क्या है? मेकिंग ए फन। अगर बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है जो डिसेबल्ड है, जैसे कि ईशान का मजाक उड़ाया जाता है, ओके, किसी बच्चे की कास्ट का मजाक उड़ाया जाता है, हमेशा वो गलत है, पक्का गलत है, यूनिवर्सल गलत है, ह्यूमैनिटी में गलत है। अच्छा, होम लैंग्वेज का, मदर टंग का, मां बोली का मजाक उड़ाया जाता है, बिल्कुल गलत है। कल्चर का मजाक उड़ाया जाता है, गलत है, ये भी गलत है। जेंडर का, कि आप फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, मेल का भी हो सकता है, किसी भी जेंडर का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, सभी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, है ना। तो डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया जाता है, तो ये हमेशा ही गलत आंसर होंगे। अच्छा, इस इमेज को याद रखना, जो हमेशा ही गलत होगा अगर इक्वल इवेल्युएशन होती है, वे ऑफ इवेल्युएशन है, ऑफ इवेल्युएशन। देखिए, इस इमेज में हाथी भी है, मछली भी है, डॉग भी है, है ना, ये मॉन्की भी है, ये सारे हैं। टीचर क्या कह रहा है कि आप सभी को सेम टेस्ट पास करना होगा। ऐसे ही क्लासरूम में है कि कोई बच्चे की फिजिकल एबिलिटी ज़्यादा है, किसी की डिसेबिलिटी कोई और है, किसी की डिसेबिलिटी या प्रॉब्लम कोई और है, दैट इज़ वाई सभी के लिए इक्वल वे ऑफ इवेल्युएशन, सेम टेस्ट नहीं हो सकता सभी के लिए। पहले तो टेस्टिंग, जब भी वर्ड यूज किया जाएगा, मोस्टली, वैसे ऑलवेज भी ठीक है, वो गलत होगा। तो इक्वल शब्द आपको लगेगा अच्छा है, इक्वल टेस्टिंग या इवेल्युएशन हमेशा ही रॉन्ग आंसर होगा। जो अनइक्वल या डाइवर्स, डाइवर्स डिफरेंट शब्द यूज हो सकता है, डिफरेंट वे ऑफ इवेल्युएशन, है ना, डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वो हमेशा ठीक होंगे। ये वाला ठीक होगा, ये वाला ठीक होगा, वो वाला गलत है। ये यहां मैंने ऑप्शन भी दिया गया है, इक्वालिटी, मैनी टाइम्स इनजस्टिस होता है इक्वालिटी में। कब होता है इनजस्टिस? जब लर्नर्स डाइवर्स नीड के हैं तो इक्वालिटी नहीं, इक्विटी चाहिए। डाइवर्स नीड के मुताबिक डाइवर्स वे ऑफ टीचिंग एंड इवेल्युएशन। अच्छा, नेक्स्ट है, करेक्ट ऑप्शन में है ऑल टीचर्स। यहां पर सम टीचर अगर होगा तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑल टीचर्स आर प्रिपेयर टू टीच ऑल स्टूडेंट। ऑल का क्या मतलब है? नॉर्मल एंड स्पेशल ऑल चिल्ड्रन।
ऑल टीचर्स आर प्रिपेयर टू टीच नॉर्मल चिल्ड्रन, ये गलत होगा। ऑल नॉर्मल के लिए नहीं रखने, हमने ऑल ऑल के लिए रखने हैं, ये ठीक होगा ऑल ऑल के लिए, है ना। अच्छा, एक्सेप्टेंस होगी, ये ठीक होगा अगर टीचर डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उसकी फीलिंग्स को, एटीट्यूड को, अवेयरनेस को, प्रीवियस नॉलेज को एक्सेप्ट करता है तो ये बिल्कुल ठीक होगा। अडेप्टेबिलिटी, इसकी आगे चल के बात करते हैं, तीन वर्ड्स मैं रिपीट कर देता हूं, अडेप्टेबिलिटी जिसमें आगे चल के इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज किए जाते हैं, मॉडिफिकेशन एंड अकोमोडेशन, ये तीन वर्ड सेंट्रल आइडिया हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का। इन तीनों का मतलब चेंज है, चेंज इन करिकुलम, चेंज इन इंस्ट्रक्शन, चेंज इन असाइनमेंट, चेंज इन एवेल्युएशन, चेंज इन किसके लिए, के बच्चा जो है स्पेशल नीड वाला वो एडजस्ट कर सके, हम उसको इक्वालिटी की तरफ ले जा सकें। सभी शिक्षक, ये हो चुकी है सभी शिक्षक, ये मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। अच्छा, गलत क्या होगा, नॉट प्लानिंग फॉर नीड बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, नीड बेस्ड टीचिंग अगर कर रहे हो तो राइट आंसर है, अगर नहीं कर रहे हो तो वो हमेशा रॉन्ग आंसर होगा। अच्छा, ये वो तीन वर्ड हैं, अडेप्टेशन वर्ड जहां भी यूज किया जाता है वो आप लेके चलो ठीक है, हमेशा राइट है, पर अडेप्टेशन अगर वो कंफ्यूज करते हैं, अडेप्टेशन नहीं, अगर ये वर्ड यूज किया था इसको ठीक लेके चलो, अकोमोडेशन भी, कई थिंकर्स अडेप्टेशन की दो प्रोसेस है, ये और ये मॉडिफिकेशन कहते हैं, हम इनमें यहाँ पर डिफरेंस नहीं करेंगे। हाँ, ये बात बता दूं, यहाँ पर इन तीनों का मतलब क्या है, एक वर्ड इनके लिए कॉमन मैंने यहाँ रखा है, वो है चेंज। चेंज किसमें, जब चेंज लर्निंग एनवायरनमेंट में, नंबर एक वो ऑप्शन हमेशा ठीक होगा। अगर चेंज इन इक्विपमेंट, अवेलेबल इक्विपमेंट जो टीचिंग लर्निंग के हैं, वो स्पेशल लर्नर के लिए है ना, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए चेंज होगा तो हमेशा वो ठीक आंसर होगा। करिकुलम में चेंज हमेशा ठीक होगा, किया जाता है। इंस्ट्रक्शन या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चेंज बिल्कुल ठीक होगा, आगे चल के एग्जाम्पल भी बताता हूँ और कौन कौन से वर्ड इनके लिए यूज किए हैं। असाइनमेंट, मान लीजिए चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, उनके लिए असाइनमेंट छोटी कर दी गई, आसान कर दी गई, 5 कंसेप्ट की जगह उसको 3 कंसेप्ट दे दिए गए, है ना। असेसमेंट टेक्निक, जैसे ईशान की एग्जाम्पल दी है कि रिटन की जगह ओरल टेस्ट ले लिया, है ना। तो ये चेंजेस किसके लिए करने, टू ऑब्टेन असेस, दिस इज सेंट्रल, फिर अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां भी असेस है, बच्चा पहुंच सके, हर बच्चा पहुंच सके, ये सेंट्रल आइडिया है, ये हमेशा राइट आंसर हो रहा है, हमेशा ही राइट आंसर हो रहे हैं। तो वो असेस ऑफ रिजल्ट आगे हैं, बेनिफिट्स हैं, लेवल ऑफ अचीवमेंट्स हैं, लेकिन मैंने जो सर्कल किए हैं वो वर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड रिपीटेडली यूज किए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा वर्ड जो यूज किया गया है वो अकोमोडेशन है, दूसरे नंबर पर अडेप्टेशन है, तो ये सही वाले ऑप्शन है। आइडिया की रेपिटेशन हो सकती है लेकिन वर्ड नए हैं। यहां पर ये देखिए कि क्या है इसमें, नंबर एक, टू टीच एवरी वन हाउ दे नीड टू बी टीच, ये हमेशा ठीक होगा, नीड बेस्ड टीचिंग। यहाँ पर टू टीच एन इक्विटेबल, इसलिए ये स्लाइड बनाई गई थी। अब यहाँ इक्विटेबल का मतलब इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्विटेबल का मतलब इक्विटी है, इक्विटी का मतलब है स्पेशल एफर्ट, स्पेशल क्लास, स्पेशल हेल्प देनी, ठीक। तो ये इक्विटी जहाँ है, स्पेशल एफर्ट है, इक्विटेबल है, ये हमेशा ठीक होगा। अच्छा, आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट अकोमोडेशन, देख लीजिए अकोमोडेशन आ गई है, हमेशा ठीक होगा। तो इसमें हिंदी में भी आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे सिखाया जाना चाहिए, ये नीड बेस्ड होगी, समान और तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, उपयुक्त आवास, ये वर्ड कोई और हो सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश में आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए। गलत क्या होंगे, इक्वल वे ऑफ टीचिंग हमेशा गलत होगा, इक्वल वे ऑफ टीचिंग हमेशा ही गलत होगा। प्रेफरेंस अगर टीचर देता है किसको, एबल बच्चों को, गलत होगा हमेशा ही। क्रिएटिव बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है, बाकियों को नहीं, सभी को नहीं, तो किसी भी एक कैटेगरी को प्रेफरेंस ज्यादा दी जा रही है तो वो गलत है, सभी को प्रेफरेंस देनी है, नीड मुताबिक देनी है। अच्छा, गिफ्टेड को प्रेफरेंस दी जा रही है, गलत है, इंटेलिजेंट को दी जा रही है, गलत है, हिंदी में यहां
पढ़ सकते हो। अभी एक एग्जांपल बहुत अच्छे है, तारे जमीन पर आमिर खान साहब हैं, उन्होंने सभी को जो फ्री वाला वर्क दिया है, कुछ भी आप बनाइए, तो ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इस क्लासरूम को इंक्लूसिव क्यों कहा जा सकता है, क्यों ये फिल्म इम्पॉर्टेंट है? ये ईशान है रीडिंग डिसेबिलिटी वाला, उसका जो एक साथी है ये जो है वो फिजिकली चैलेंज्ड है, स्पेशल नीड वाले हैं, तो नेचुरली है इनकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो भी स्पेशल होगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी, इनका करिकुलम भी अलग हो सकता है, इनका एस्पिरेशन लेवल भी अलग हो सकता है, असेसमेंट भी अलग हो सकती है अगर ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल इसके बच्चे की फिजिकल नीड, फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी जो रीडिंग राइटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ वाई इनको इनके साथ वाला जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या वो शामिल किया जा सकता है ना। तो लेकिन ईशान की रीडिंग की प्रॉब्लम है, दैट इज वाई उसके लिए ये सारा कुछ, ये एग्जांपल है कि सभी को इक्वल वे से टीच नहीं किया जाना, अगर किया जाता है तो वो टेट में ऑप्शन हमेशा गलत होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट अकोमोडेशन, हमेशा ठीक होगा, अडेप्टेशन हमेशा ठीक होगा, मॉडिफिकेशन हमेशा ठीक होगा, तो ये रिपीट हो चुके हैं। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन होम बेस्ड एजुकेशन टू सिवियर डिसेबल्ड, होम बेस्ड एजुकेशन एक ऐसी ऑप्शन है जो बच्चे इतने ज्यादा चैलेंज्ड है या डिसेबल्ड हैं कि स्कूल की एजुकेशन सिस्टम में वो शामिल होना उनके लिए डिफिकल्ट लग रहा है या उनकी एडजस्टमेंट बहुत डिफिकल्ट लग रही है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन जो होम बेस्ड एजुकेशन की दी गई है, मीन के कोई बच्चा डिसेबल्ड है, जो टीचर आएगा किसी भी आवर उसके लिए, एक घंटा दो घंटा, तो उसको बेसिक जो स्किल्स हैं, नेचुरली है कि इन बच्चों का एबिलिटी लेवल नॉर्मल से बहुत कम होगा, उनको बेसिक स्किल्स टीच करके टीचर घर में जाएगा, तो ये ऐसी ऐसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो लाइफ को थोड़ा सा बेटर कर सकती है, वो उनके लिए वो करिकुलम नहीं होगा जो नॉर्मल बच्चों का करिकुलम हो। तो होम बेस्ड एजुकेशन का कंसेप्ट सीवियर डिसेबल्ड के लिए, वो बेशक इंटेलेक्चुअली हो या फिजिकल हो। इसके साथ और राइट आंसर कौन सा हो सकता है, अल्टरनेट एजुकेशनल सिस्टम। अल्टरनेट एजुकेशन सिस्टम में भी क्लास साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, 1-to-1 इंस्ट्रक्शनल टाइम होता है, एक टीचर एक बच्चे को, हाईली इंडिविजुअलाइज्ड सिस्टम होता है, नॉन ट्रेडिशनल आवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्कूल 9-to-2 लगता है तो वो दोपहर को शाम को भी हो सकता है। अच्छा, हाइब्रिड एक्सपीरियंस दिए जाते हैं, मीन उसको पर्सनल और डिजिटल एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से टीच किया जाता है। दो वर्ड कौन से हैं जो ठीक हो सकते हैं, होम बेस्ड एजुकेशन फॉर सीवियर एंड अल्टरनेटिव एजुकेशन, ये होम बेस्ड एजुकेशन की एक एग्जांपल है। पीछे मैं बता के आया हूं कि अकोमोडेशन वर्ड राइट होता है, लेकिन अकोमोडेशन की इतनी कैटेगरीज हैं, उनमें कई वर्ड या फ्रेज हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे, वो हमेशा ही राइट होंगे। फॉर एग्जांपल जो विजुअली डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए बुक्स एंड मटीरियल विद लार्ज प्रिंट जब दिया जाता है हमेशा राइट आंसर होता है। विजुअल क्लूज दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कलर कोडेड टेक्स्ट उन बच्चों को दी जाती है, हमेशा ही ठीक आंसर होता है। ऑडियो बुक्स दी जाती है उनको, हमेशा ठीक आंसर होता है। क्लोज्ड कैप्शन ऑन वीडियो, हमेशा ठीक आंसर होता है। अच्छा, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर अगर दिया जाता है तो हमेशा ठीक आंसर होता है। स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, जैसे चलो आगे चल के बताता हूं, ऑरली डिक्टेट रिस्पॉन्सेज यूजिंग ए स्क्राइब और डिजिटल रिकॉर्डर उनको दिए जाते हैं, हमेशा ही ठीक आंसर होगा। प्रेफरेंशियल सीटिंग, मेरे ख्याल में यहां पर अगर नहीं दिखाई देता तो नेक्स्ट स्लाइड बड़ी बना रखी है उसमें देख लेते हैं हम। अच्छा, ये स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है कि आप बोल रहे, ऐसे नहीं बोल रहे, ये तो इमेज दिखाई गई है ना, तो जो डिसेबल्ड पर्सन है वो बोल सकता है, लिख नहीं सकता, तो वो बोल रहा है लेकिन वो ऑपरेटर जो सॉफ्टवेयर है उसको टाइप करता जाता है। ये हो गए हैं हमेशा राइट आंसर है, ये करने हैं हमने। प्रेफरेंशियल सीटिंग अरेंजमेंट उनका स्पेशल होता है, फॉर एग्जांपल उस बच्चे को जिसको दिखाई नहीं देता, जिसका कॉन्फिडेंस लो है, उसको नियर द टीचर बिठाया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। टेस्टिंग इन ए सेपरेट लोकेशन, बिल्कुल राइट आंसर होगा।
डिसेबल्ड बच्चे को डिफरेंट, आपने देखा होगा कि आपके एग्जामिनेशन में भी जो विजुअली हियरिंग ऐसा कोई इम्पेयर्ड बच्चा है तो उनको सेपरेट रूम में बिठाकर एग्जाम ले लिया जाता है। एक्सटेंडेड टाइम टू कंप्लीट द टास्क, फॉर एग्जाम्पल आपको 3 घंटे मिले हैं और उस बच्चे को 3 घंटे 30 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए गए, तो ये इक्विटी का कंसेप्ट है, ये बिल्कुल ठीक होगा। फ्रिक्वेंट ब्रेक्स, बच्चा जो लर्न कर रहा है अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको ब्रेक्स ज़्यादा दिए जाते हैं। शॉर्टर टेस्टिंग सेशन, है ना, लंबा टेस्ट उसका नहीं लिया जाएगा, ये हमेशा ठीक आंसर होंगे। सेंट्रल आइडिया इसका है क्या है कि जो बच्चे का वर्क है उसकी क्वांटिटी रिड्यूस की जाएगी, उसका टाइम जो है जब टेस्टिंग टाइम है उसको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, वो बढ़ाया जाएगा। उसके एग्जाम्पल्स हैं जो हमेशा ही राइट होंगी, फॉर एग्जाम्पल बुक या बोर्ड से कॉपी करना है, रिड्यूस अमाउंट ऑफ कॉपी, उसको क्वांटिटी कम दी गई। रिड्यूस द लेंथ ऑफ असाइनमेंट, ये वो ऑप्शन है टीईटी में आते हैं। क्रिएट ए टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन द टास्क, अलाउ द स्टूडेंट्स टू टेक असाइनमेंट होम, के असाइनमेंट आप घर ले जाओ बेटा, घर से करके ले आना। अलाउ एक्स्ट्रा टाइम इन क्लास टू कंप्लीट द, है ना, ये एग्जाम्पल हो चुकी है। रिव्यू फ्रिक्वेंट, बार बार रिव्यू करने के लिए आप पढ़ सकते हो दोबारा। एडिशनल टाइम उसको दे देना टास्क कंप्लीट, टेस्ट कंप्लीट करने के लिए उसको छोटी छोटी ब्रेक देना, ये सारे राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है रिपीटेडली रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये वर्ड जो मैंने 2 बार एनसर्कल किया है बहुत से क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। राइट आंसर इसका क्या होता है, मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन, वो ऑफ कंटेंट भी हो सकता है, करिकुलम भी हो सकता है, वे ऑफ टीचिंग भी हो सकता है, मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन भी हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन, एक तो है कि ये रहा टीचर, वो उसने कंटेंट प्रेजेंट करना है, वो एक वे से नहीं मल्टीपल वे से करे, मल्टीपल वेज। फॉर एग्जाम्पल वो वर्बल भी हो सकता है, बोल के कर सकता है, वो ग्राफ भी उसी कंटेंट का बनाए, वो उसकी ही इक्वेशन बनाए, उसी का टेबल भी बना सकता है, उसी का डायग्राम भी बना सकता है। तो मतलब ये नहीं है ये सारे इकट्ठे यूज करने हैं, अकॉर्डिंग टू कंटेंट एक से ज्यादा मोड होने चाहिए। उसके एग्जाम्पल आगे चल के बताता हूं। इसका सेंट्रल आइडिया है मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन राइट आंसर हमेशा होता है, नॉट प्रेजेंटिंग मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट हमेशा ही गलत होगा, क्योंकि नॉट आ गया ना, प्रेजेंटिंग ओनली वन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, वन वे, है ना, यही ऑप्शन है, समझ लीजिए इनको, ये हमेशा ही गलत। हिंदी में आप रीड कर लीजिए, ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक ही कंटेंट होगा, उस कंटेंट को टेबल में भी दिया गया है, इक्वेशन में भी दिया गया है, उसी कंटेंट का जो है ग्राफ भी बनाया गया है। हो सकता है एक बच्चे को ग्राफ ज्यादा समझ आ रहा हो, दूसरे बच्चे को टेबल ज्यादा समझ आ रहा हो, तीसरे बच्चे को इक्वेशन जल्दी समझ आ रही हो, क्योंकि लर्निंग स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ये कोई कंसेप्ट है, उसकी वर्बल डिस्क्रिप्शन है, उसका नॉन वर्बल डायग्राम है, ग्राफ है, है ना, ये मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन की एग्जाम्पल हो। मल्टीपल वेज रिप्रेजेंटेशन के क्या हो सकते हैं, ग्राफ डायग्राम हो चुका है, टेबल हो चुका है, ग्रिड्स हो चुका है, फार्मूलाज है, सिंबल्स है, वर्ड्स है, जेस्चर्स हैं, सॉफ्टवेयर है, कोड है, वीडियोस हैं, कंक्रीट मॉडल है, फिजिकल, वर्चुअल, मैनिपुलेटिव्स हैं, जो जो ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे बच्चों को वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, पिक्चर्स के साथ, एनिमेशन के साथ, मॉडल के साथ टीच किया जाता है, स्टैचू ऑफ द पर्सन, रियल थिंग प्रेजेंट की जा सकती है, हैंड आउट्स विद पैराग्राफ, चार्ट्स, वीडियोस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, ये मेनी वे हैं मल्टीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन के, ये हमेशा ही राइट आंसर, राइट आंसर। सेट में 3 तरह से ये क्वेश्चन या आंसर दिए जाते हैं, फर्स्ट है मल्टीपल मींस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, दूसरा है मल्टीपल मींस ऑफ एक्शंस एंड एक्सप्रेशन, ये टीचर का काम होता है और ये लर्नर का काम होता है, उसको डिफरेंट तरीके से वो अपनी जो लर्निंग है उसको एक्सप्रेस कर सके, ये डिफरेंट तरीकों से टीचर अपनी टीचिंग को रख आगे रख सके। लर्नर कैसे कैसे कर सकता है, जैसे क्विज है, केस स्टडी है, मॉडल बिल्डिंग है, ऑरल प्रेजेंटेशन है, डिफरेंट वेज हो गए। थर्ड है मल्टीपल मींस ऑफ एंगेजमेंट, बच्चों को एंगेज करना है, इसके लिए सेंट्रल आइडिया है उनका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट एरिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो स्पोर्ट्स जैसी उसको प्रोजेक्ट, उसके साथ असाइनमेंट
वर्क जो है उसके साथ जोड़ के दिया जाए। ईशान को पेंटिंग पसंद था, नेचुरली है उसको मैथ या बाकी सब्जेक्ट भी उसके साथ जोड़ के दिए जाए। हमेशा ठीक होगा बायलिंगुअल मेथड, नेशनल पॉलिसी 2020 का भी अगर आता है तो बायलिंगुअल मेथड इंग्लिश को टीच करने के लिए सुजेस्ट किया जाता है। होम लैंग्वेज में टीच करना बिल्कुल ठीक ऑप्शन होता है। यूजिंग वन लैंग्वेज लाइक, आपको ये ऑप्शन बड़ी बार आ रहे हैं कि इंग्लिश में टीच करना चाहिए क्योंकि प्राइवेट स्कूल इंग्लिश में ही प्रेफर कर रहे हैं, तो वो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप कह रहे हो कि आपकी राष्ट्रीय भाषा है या हिंदी है तो उसमें टीच करना नहीं, अगर सिर्फ उसमें एक में टीच कर रहे हो तो वो गलत हो गया। जेंडर इंक्लूजन हमेशा राइट आंसर होगा। जेंडर इंक्लूजन का मतलब बाइनरी नैरेटिव्स नहीं लेना, मेल और फीमेल बाइनरी नैरेटिव है। तो वैसे तो कनाडा ने 31 जेंडर आइडेंटिफाई किए हैं, तो यहां पर आप, मैं थर्ड जेंडर को भी शामिल कर रहा हूं, किसी भी जेंडर को, ये नहीं है कि मेल को पीछे छोड़ देना है या फीमेल को ही सिर्फ प्रेफर करना है, नहीं, सभी को इंक्लूड करना है, सभी को उसके जेंडर के मुताबिक जो है डिस्क्रिमिनेशन, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को इक्विटी भी कह सकते हैं, जो पीछे बात करते आए हैं कि जो जेंडर पछड़ चुका है, फॉर एग्जांपल किसी एरिया में गर्ल्स की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है ना, तो उनको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिया जाता है, फैसिलिटीज दी जाती है, प्रोविजन दी जाती है, तो वो जेंडर इक्विटी हो गई, जेंडर इंक्लूजन। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन यही है, इक्विटी हमेशा 100% राइट ऑप्शन होगा अगर वर्ड ये यूज किया जाता है। अच्छा, अगर आता है कि प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा टाइम उन बच्चों को, हमेशा ठीक होता है, एक्स्ट्रा कोचिंग हमेशा ठीक होती है डिसेबल्ड बच्चों को, स्पेशल हेल्प फॉर डिसेबल्ड लर्नर हमेशा ही ठीक होगा। नॉट प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा कोचिंग, अगर ये बिल्कुल गलत हो गया, इसके विरोध में ही है कोई ज्यादा। अच्छा, राइट ऑप्शन क्या होता है, नॉट ए फिक्स्ड आइडिया अबाउट पर्टिकुलर टाइप ऑफ लर्नर, इसको स्टीरियोटाइपिंग भी बोल सकते हैं। यहां पर अगर फिक्स्ड है, अगर फिक्स्ड है तो ये गलत हो जाएगा, अगर नॉट फिक्स्ड है, जहां फ्लेक्सिबल है आपकी सोच, फ्लेक्सिबल है आपकी ना, रिजिड नहीं है सोच, तो ये ठीक ऑप्शन होगा। अच्छा, जब भी आप स्टीरियोटाइप यूज करते हो, जेंडर स्टीरियोटाइप की बात आगे चल के आएगी और बार बार ये क्वेश्चन आता है, ये सॉरी हमेशा ही गलत होगा, ये हमेशा ही गलत होगा। स्टीरियोटाइप डिसेबिलिटी पर भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई फिजिकली डिसेबल्ड या मेंटली डिसेबल्ड, जहां विजुअली हियरिंग एम्पेयर्ड बच्चा है तो उसके बारे में आपने सोच रखा है कि ये बच्चा सीख नहीं सकता, बाकियों के मुकाबले पीछे ही रहेगा, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, ये हमेशा ही गलत होगी। कास्ट, किसी कास्ट को आप नीचा या ऊंचा कहते हो, दोनों ही गलत होगा। जेंडर बात हो चुकी है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, गरीब बच्चों को आप, ये समझा जाता है बिलीफ सिस्टम टीचर का यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक ही, कि इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल में टीच करने वालों का, टीचर का बिलीफ ये है कि कुछ जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है गरीब बच्चे हैं वो लर्न नहीं कर सकते जो नॉर्मल लर्न कर सकते हैं, तो ये बिलीफ हमेशा ही गलत होगा, ये बैरियर आ गया। अच्छा, किसी लैंग्वेज के, जैसे आप कहते हो मदर टंग वाला बच्चा या हिंदी वाला बच्चा कम लर्न कर सकता है, जहां वह पुअर लर्नर है एज कंपेयर टू इंग्लिश लर्नर, ये हमेशा ही गलत होगा। ये इसी की एक एग्जांपल है, शिक्षक का विश्वास के समाज के विकलांग और वंचित वर्ग के शिक्षार्थी सिक्को सिखाया नहीं जा सकता, वो ज्यादा सीख नहीं सकते, ये पीछे बात करके आए, ये हमेशा ही गलत। जब आप ये कहते हैं कि ऑल कैन लर्न, ये हमेशा ही ठीक होगा। ये टर्म बहुत ज्यादा यूज हुई है, जनरल करिकुलम, हमेशा ही गलत होगा। जो बात पीछे करके आए हैं, इक्वल करिकुलम या सेम करिकुलम, जनरल करिकुलम, अच्छा ये लिखा भी है, सेम करिकुलम हमेशा गलत होगा, कॉमन करिकुलम हमेशा गलत होगा, सब क्योंकि डाइवर्स क्लास है, मल्टी कल्चरल मल्टीलिंगुअल क्लास है, अब तो सेम सब कुछ हो ही नहीं सकता है ना, तो नीड बेस्ड करिकुलम, नीड बेस्ड जो कंटेंट है वो होगा, ये हमेशा ठीक होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एन इंक्लूसिव करिकुलम इंक्लूड लोकली रेलेवेंट थीम्स
एंड कंट्रीब्यूशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी अच्छी बात सीखने को मिलेगी आपको। कंट्रीब्यूशन बाय मार्जिनलाइज्ड एंड मिनोरिटी ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, आप पंजाब में हैं, यूपी में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, तो वहाँ कुछ मिनोरिटी ग्रुप्स हैं जहाँ कुछ जो सोशली डिसएडवांटेज मार्जिनलाइज्ड, जिनको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, पावरलेस जिनको कर दिया गया है ना, तो उन्होंने कुछ क्रिएटिव काम किया गया है, उन उस क्रिएटिव काम को आप करिकुलम में, कंटेंट में शामिल कीजिए। उससे दो काम होंगे, जब वो ही बच्चे अपने कल्चर की कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, उनका हौसला कितना बुलंद होगा, वो अपने आप को ऊंचा समझेंगे और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके बराबर आ जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन इंडिया वुमेन, ये देख लीजिए, ये रॉन्ग आंसर नहीं है, यहाँ कैप्शन उड़ा दिया गया है। इन इंडिया वुमेन चिल्ड्रन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड माइग्रेंट्स एज्ड, इनको मार्जिनलाइज्ड सेक्शन कहा जाता। तो अगर इनमें से किसी वर्ग की कंट्रीब्यूशन कंटेंट में आप शामिल कर सकते हो, अगर नहीं करनी ही चाहिए, करते हो तो वो इंक्लूजन है। अगर कंट्रीब्यूशन आप जैसे यंग पीपल की कर रहे हैं, एज की नहीं कर रहे, तो ये रॉन्ग आंसर होगा। अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट की नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब की नहीं कंट्रीब्यूशन कर रहे, जनरल कैटेगरी की कर रहे हो, तो वो रॉन्ग होगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी की कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल तारे जमीन पर, ईशान पर, उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है कि वो अपने टीचर को भी पीछे छोड़ देता है ना, तो उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए, डिस्प्ले किया जाना चाहिए। वो फिल्म में कैसे करते हैं कि जो प्रॉस्पेक्टस वो छपता है, उसके आगे और पीछे जो उसकी पेंटिंग जो है टीचर की, जो फर्स्ट और सेकेंड आती है, उसको पब्लिश किया जाता है। इट मीन्स वो उसको हाईलाइट किया जाता है। ऐसे ही उसको कंटेंट में, करिकुलम में शामिल कर लेना, एक बच्चे की कंट्रीब्यूशन को नहीं, उस लोकल ग्रुप की जो कि मार्जिनलाइज है उसकी कंट्रीब्यूशन को शामिल करना, वो राइट है। अच्छा, बाइनरी नैरेटिव्स अवॉइड करना। बाइनरी नैरेटिव्स क्या है? दो, किसी भी चीज को दो भागों में बांट देना। अगर आप गुड और बैड ही यूज करते हो क्लास में, मेल एंड फीमेल ही यूज करते हो, है ना, दो ही एक्सट्रीम्स यूज करते हो, तो वो गलत होगा। लेकिन अगर इसको अवॉइड करते हो तो वो ठीक होगा। अडेप्टिंग द करिकुलम हो चुका है, ये हमेशा राइट आंसर होता है। यूज डाइवर्स रेंज ऑफ रिसोर्सेज, डाइवर्स रिसोर्सेज अगर आता है, यूज करते हो, हमेशा राइट आंसर होगा। डाइवर्स रिसोर्स हमेशा राइट आंसर। संसाधनों को, विविध प्रकार के संसाधनों को यूज करना, वो कौन से साधन हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में वीडियो भी यूज करते हो, पीपीटी भी यूज करते हो, वर्कशीट्स भी यूज करते हो, फोल्डर्स, फाइल्स, बुक्स, डिक्शनरीज यूज करते हो। लेकिन अगर आप इनमें से कोई सिंगल एक सिर्फ यही यूज कर रहे हो, वो हमेशा गलत होगा। जहां सिर्फ पावर पॉइंट ही यूज करी जा रहे हो, ये भी गलत होगा। या है ना, ये आप पीछे समझ के भी आए हैं, से रिलेटेड ही रहा है। मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एक्सप्रेशन भी लर्नर के पार्ट पर और टीचर के पार्ट पर, वो वेज ऑफ टीचिंग। अच्छा, कॉन्टेक्स्चुअलाइजेशन हमेशा ही ठीक होगा। कॉन्टेक्स्चुअलाइजिंग द कोर्स, कॉन्टेक्स्चुअलाइजेशन मटेरियल हमेशा ठीक होगा। कैसे? कॉन्टेक्स्चुअलाइज होती क्या है? द सिचुएशन विद इन विच इट एग्जिस्ट, जिसमें वो घटना घट रही है। कंस्ट्रक्टिविज्म की ये टर्म है, कंटेक्स्ट में ही, कंटेक्चुअल टीचिंग की वो बात करते हैं। सिंपली वो रियल सिचुएशन के साथ बच्चे की टीचिंग को जोड़ना है। अगर जोड़ पाते हो तो वो ठीक है, अगर नहीं जोड़ पाते तो वो गलत होगा। अवॉइड स्टीरियोटाइपिंग, ये गलत हो चुका है, सॉरी अवॉइड है, अगर अवॉइड है तो ये ठीक होगा। अगर अच्छा, मैंने एग्जाम्पल कुछ दी हैं, ये एग्जाम्पल इसलिए दी गई हैं, ये एग्जाम में बार बार आती हैं, एक ऑप्शन दे दी जाती है और इसको ये पूछा जाता है ये क्या है, वो सभी जेंडर स्टीरियोटाइप, जन स्टीरियोटाइप उसका आंसर राइट होता है। वो एग्जाम्पल कौन सी डाली जाती हैं, तो वो क्या है, गर्ल्स आर बेटर इन लैंग्वेज, ये स्टीरियोटाइपिंग है, ये हमेशा ही गलत होगा कि गर्ल्स उसमें बेटर हैं। इट मीन्स बॉयज, सॉरी बॉयज को बायसनेस उसके प्रति, उनके प्रति है, बॉयज आर बेटर इन मैथ, है ना, हमेशा गलत होगा अगर ऐसा सोचते हो। एक्स जेंडर, फॉर एग्जांपल बॉयज आर बेटर समथिंग देन जेंडर बॉयज, किसी भी जेंडर को किसी की भी के ऊपर जनरलाइज के रूप में कहना, वो गलत ही होगा। अच्छा, बॉयज आर मोर एग्रेसिव देन गर्ल्स, गलत होगा। बॉयज आर लेस अट्रैक्टिव देन गर्ल्स, गलत होगा।
बॉयज आर ऑल बैड ड्राइव्स फॉर एग्जाम्पल, लड़के बुरे ही होते हैं, गलत होगा. बॉयज आर अनटाइडी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर एग्जाम्पल, थर्ड जेंडर को बोल रहे हो, गलत होगा. बॉयज आर बैड लिसनर, हमेशा गलत होगा. गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, गलत होगा. बॉयज आर एथलेटिक, गलत होगा. ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है. आपने ये मान के चलना है किसी भी जेंडर में कोई भी एबिलिटी हो सकती है, ये उसकी परफॉर्मेंस बताएगी. आपने खुली छूट और खुली अपॉर्चुनिटी देनी. ये बात हो चुकी है. अकोमोडेट्स द नीड ऑफ ऑल चिल्ड्रन, अफोर्डिंग देम इन टाइम स्पेस एंड अपॉर्चुनिटी. वर्ड नए हैं इसलिए ये शामिल किया गया था. अकोमोडेशन पहले शब्द आ चुका है, हमेशा ठीक होता है. इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, हमेशा ठीक होगा. स्टार्ट्स विद नीड्स ऑफ वन स्टूडेंट. ये आगे चल के पर्सनलाइज्ड डिफरेंशिएटेड टीचिंग एंड वो इंडिविजुअलाइजेशन, ये अप्रोचेज आती हैं. ये तीनों शब्द अप्रोचेज कोई भी यूज हो, ये डाइवर्स या इंक्लूसिव क्लास में बिल्कुल ठीक है. नॉट प्लानिंग फॉर इंडिविजुअलाइजेशन, हमेशा ही गलत होगा. इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन फॉर टीचिंग अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ डाइवर्स डिफरेंटली एबल्ड लर्नर, हमेशा गलत. वन टू वन टीचिंग एंड सेल्फ पेस्ड लर्निंग, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सेल्फ पेस्ड लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है. इंडिविजुअलाइजेशन, आउटलाइन प्रोग्रेसिव गोल, बिल्कुल हमेशा ठीक होगा. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पर बहुत क्वेश्चन आते हैं. उसकी डेफिनेशन अगर आपने समझनी है, वो सिंपली ये है कि जो डाइवर्स नीड के बच्चे हैं उनके लिए लेसन प्लानिंग हो, एक तरह की लेसन प्लानिंग ना हो, सभी बच्चों की नीड के अकॉर्डिंगली लेसन प्लानिंग हो, हमेशा ही राइट आंसर होगा. ग्रुप्ड वे ऑफ स्टूडेंट्स आर ग्रुप्ड. डिफरेंशिएटेड लर्निंग में ग्रुप एबिलिटी बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड, फ्रेंडशिप बेस्ड, है ना, छोटे छोटे ग्रुप बनाए जा सकते हैं. जब ग्रुप बना के आप टीच करते हो तो वो पॉजिटिव राइट आंसर की तरफ आपको लेके जाता है. इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है जो रिपीटेडली यूज की जाती है, कोऑपरेटिव लर्निंग, हमेशा ही ठीक आंसर, प्रेफर्ड आंसर है. पीयर असिस्टेंट्स प्रेफर्ड राइट आंसर. ग्रुप वर्क राइट आंसर. इमीडिएट फीडबैक और इमीडिएट असेसमेंट इंप्रूवमेंट के लिए राइट आंसर. फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, ग्रुपिंग को चेंज करते हो आप, राइट आंसर. टीम वर्क राइट आंसर. ये सारे ग्रुप में लेके जा रहे हैं. वैरायटी ऑफ रिसर्च बेस्ड स्ट्रेटजी राइट आंसर. ये तीनों ही राइट आंसर हैं अगर यूज किए जाते हैं. पर्सनलाइज्ड टीचिंग, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअलाइजेशन. फर्क इसमें क्या है कि पर्सनलाइज्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंडिविजुअल से स्टार्ट होती है, लेकिन डिफरेंशिएटेड लर्निंग इंडिविजुअल से नहीं, ग्रुप से स्टार्ट होके इंडिविजुअल की तरफ जाती है. ये भी ऐसे ही, इंडिविजुअलाइजेशन भी ऐसे ही चलती है. तो ये तीनों ही इंडिविजुअल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी हैं. ये तीनों राइट आंसर. अच्छा, ये रेपिटेशन है. राइट आंसर में लिखा है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, इंडिविजुअलाइजेशन. हिंदी में आप लर्न कर लीजिए. हमेशा रॉन्ग आंसर जो होंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा रिपीट होते हैं. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, हमेशा ही गलत आंसर. इक्वलाइज्ड टेस्टिंग, हमेशा गलत. होमोनाइज्ड और वर्ड यूज किए जाते हैं. नॉर्मलाइज्ड, गलत होगा. स्टीरियोटाइप्ड, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट. असेसमेंट अगर ये छह शब्द हैं, इनके साथ आपको ऑप्शन मिलता है ये छह के छह, तो वो हमेशा ही रॉन्ग आंसर होगा. सेम और कॉमन और वर्ड हैं. वे ऑफ असेसमेंट टू ऑल स्टूडेंट, ये गलत होगा. स्टैंडर्डाइज्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर आता है, यहां असेसमेंट है, स्टैंडर्डाइज्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. स्टैंडर्डाइज्ड शब्द बड़ी जल्दी आपको रॉन्ग आंसर की तरफ ले जाएगा, हमेशा गलत. हिंदी में मानकीकृत, समान, समरूप, सामान्यीकृत, रूढ़ी बद्धित, संरचित मूल्यांकन, समान, है ना, तो ये सारे रॉन्ग आंसर की आपको लेके. अच्छा, टीचिंग विद डायग्नोस्टिक असेसमेंट, हमेशा राइट आंसर, क्योंकि डायग्नोस्टिक ये बताता है कि बच्चे में क्या क्या पॉजिटिव है और क्या क्या वीकनेसेस हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको टेस्ट करके, जैसे डॉक्टर एक पहले टेस्ट लेता है और कमी को देखता है, वो उस कमी को देखते हुए, हर बच्चे की कमी को और प्लस पॉइंट को देखते हुए लेसन प्लान किया जाता है. दैट इज वाई बेस्ट, हमेशा राइट आंसर. विदाउट अगर आ गया है तो ये रॉन्ग आंसर होगा.
अटेंडिंग डाइवर्सिटी और इंडिविजुअल डिफरेंस इन क्लास, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल वेरिएशन, ये हमेशा, क्योंकि साइकोलॉजी की फंडामेंटल अजम्पशन है ये, तो हमेशा ही राइट आंसर होगा। जितनी भी फंडामेंटल थ्योरीज हैं उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस पर जोर दिया है, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। अच्छा, इंक्लूसिव एजुकेशन का बेस हो गया इग्नोरिंग, अगर इसको इग्नोर कर दिया इनको तो वो गलत हो जाएगा। डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज ए रिसोर्स, हाँ इसको 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 समझ लीजिए। डाइवर्सिटी जब प्रॉब्लम है, डाइवर्सिटी और इंडिविजुअल डिफरेंस एज ए प्रॉब्लम हमेशा गलत होगा, उसको पॉजिटिव लेना है कि इंडिविजुअल डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल ईशान तारे जमी पर, थ्री इडियट्स में तीनों की एबिलिटीज, फोटोग्राफी में एक है, कोई किसी और एरिया में माहिर है, तो वो उसको रिसोर्स लेके चलना है। एक बच्चा अच्छा रीड कर सकता है, उसको ग्रुप वर्क में रीडिंग का काम दिया गया है, वो दूसरों को रीडिंग सिखा सकता है, दूसरे का स्पीकिंग अच्छी है, किसी की पेंटिंग अच्छी है, तो ये डिफरेंस है। ये इन सभी को, स्किल को आपने रिसोर्स यूज करना है, जो दूसरे बच्चों में वीकनेस है वो पीयर टीचिंग से अपवर्ड जा सकती है, तो रिसोर्स एज ए यूज किया जाएगा, संसाधन के रूप में यूज करना, ये पॉजिटिव। अच्छा, वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटेटिव। प्याजे का शिफ्ट क्या था, प्याजे क्वांटिटेटिव अप्रोच से क्वालिटेटिव की अप्रोच की तरफ गया था। जब हम टेस्ट से इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं, है ना, टेस्ट हमेशा गलत होगा क्योंकि क्वांटिटेटिव है, इधर क्वांटिटेटिव है ना, ये हमेशा गलत होगा। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हमेशा गलत होगा। अच्छा, क्वालिटेटिव हमेशा ठीक होगा, ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव का पार्ट है, ये यहाँ से समझ आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन के जरिए यूज किया जाती है, असेसमेंट जहाँ बच्चे को काम दिया जाता है, सर्वेज करवाए जाते हैं बच्चे से, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन की जाती है। बिल्कुल फोकस ग्रुप है कि कुछ बच्चों को कोई विशेष एक्सपीरियंस है, उनको लेके उनकी जो है डिस्कशन करवाई जा रही है, हमेशा ठीक है। इंटरव्यूज ठीक है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है असेसमेंट स्ट्रेटजी है, हमेशा ठीक होता है। स्टूडेंट्स प्रेजेंट एसेज, प्रेजेंटेशन है ना की जा रही, हाँ केस प्रेजेंट करते, प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं, तो ये हमेशा ठीक वाले हैं। अदर वर्क डेवलप ओवर ए पर्टिकुलर क्लास ग्रेड लेवल थ्रू आउट द देयर एंड मिडिल स्कूल, ओके, ये सारा कुछ बच्चों को प्रेजेंट करने के लिए अगर ये वे किए जाते हैं। दूसरे वे क्या हैं कि इनकी बजाय उनका टेस्ट लिया जाए, स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज किया जाए, ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन से, सैट, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म स्कॉलिस्टिक असेसमेंट टेस्ट। अच्छा, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट, कंफ्यूज ना हो यहां पर बेशक शामिल मत करें, डायग्नोस्टिक टेस्ट पॉजिटिव में ही रखें, इसको मैंने यहां से डिलीट कर दिया गया। तो ये वाले जब सिर्फ ये यूज किए जाते हैं, बच्चा इसके जरिए आपको अपनी परफॉर्मेंस बताए, तो ये हमेशा गलत होगा। अगर टेस्टिंग मोर इनफॉर्मल है तो वो राइट आंसर होगा। इनफॉर्मल मीन के टाइम फ्लेक्सिबल है, कभी भी आप घर जाके दे देना बेटा, शाम को दे देना, सुबह को टेस्ट दे देना। अच्छा, वेन्यू, प्लेस, प्लेस फिक्स नहीं होगा, रूल रिजिड नहीं होंगे, है ना, अगर ऐसी बातें हैं तो वो राइट ऑप्शन की तरफ लेके जाएगा। अगर असेसमेंट फॉर्मल है, फॉर एग्जांपल टाइम भी फिक्स है, 3 बजे टेस्ट होगा, 3 घंटे का होगा, अच्छा इसी क्लासरूम में होगा, इसी मेथड से आपको पेपर पेंसिल ही टेस्ट होगा, है ना, ये एग्जांपल, ये हमेशा ही गलत होगी, ट्रेडिशनल है। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड ठीक होगा, अगर अकेला स्टैंडर्डाइज यहां पर आ जाता है तो वो गलत होगा। नॉन आ गया ना स्टैंडर्डाइजेशन, ये वर्ड यूज कर लेना, क्योंकि कई बार मैंने अगर स्टैंडर्डाइजेशन को गलत बताया है जब यूज की जाती है, अगर नॉन वर्ड यूज कर लिया तो ऑपोजिट हो गया, ये आपने सोच लेना है। यहां लॉजिक सेटिंग इंडिविजुअलाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड हमेशा ठीक होता है, बेशक वो गोल सेटिंग ही क्यों ना हो, स्टैंडर्ड गोल और स्टैंडर्ड आप इंटरचेंजेबली यहां पर समझ लीजिए, इन डेप्थ में समझना है बाद में। अच्छा, सेटिंग सेम गोल हमेशा गलत होगा, स्टैंडर्ड ऑल स्टूडेंट्स गलत होगा, यहां पर फिर इंडिविजुअलाइज्ड वर्सेस स्टैंडर्ड सेम गोल की कंपैरिजन। तो ये पार्ट यहीं पर एंड होता है इसका। नेक्स्ट पार्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का होगा, जो ऑप्शन हमेशा सही या गलत होते हैं, लिंक नीचे दिया गया है कि आपके पास अगर टाइम बहुत ज्यादा कम है, आप सिर्फ ये वीडियो, 2-4-5 दिन है, आप ये वीडियो और
दूसरी इसके साथ वो वीडियो जो आपको एमसीक्यू को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी बताती हैं वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। जैसे ये है एमसीक्यू को राइट आंसर आपने, इसके अलावा भी स्ट्रेटजी है, ये तो मैंने पॉइंट ही बता दिए, वर्ड्स ही बता दिए जो राइट और रॉन्ग होते हैं ना। तो अगर ये भी नहीं पता फिर भी आप 10 12 15 स्ट्रेटजी मेरे पास हैं जो आप राइट आंसर तक जिसके जरिए पहुंच सकते हो, तो वो वीडियो अलग से अटेंड कर लीजिए। और तीसरी बात कि आपने ऑफलाइन जो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसकी बेस्ट अप्रोच है। थर्ड वीडियो की कैटेगरी वो हो गई। फोर्थ आप प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व कर लीजिए। ये चार स्ट्रेटजी के साथ अच्छा गेन कर सकते हो। ये नहीं कहूंगा कि आप पहाड़ पर चढ़ जाओगे वो प्राप्त कर लोगे। लर्न टू एक्चुअलाइज। डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।